कितना ज्यादा फॉर्म निकल रहा है इसमें से। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वाजिद, आप देख रहे हैं कब्र 2.0। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने अपनी गाड़ी के जो सारे शीशे हैं उनको वो सोलर टिंट करवाया था, जिससे हीट को रिड्यूस किया जा सकता है जो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। उसके बाद चलें ये तो हो गया, उसके बाद अब दूसरी चीज़ यह कि जो एसी की कूलिंग है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट कैसे किया जाए या उसको और कैसे बेहतर किया जा सके। कि आपका मतलब वो तो चले हीट रुक गई, अब उसके बाद आया कि आपका एसी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब घर के एसी को तो हम हर सीज़न में सर्विस करवाते हैं, पर जो ये गाड़ी का एसी है ना, इसको आप हर सीज़न में सर्विस नहीं करवाते जब तक आप कोई तंग ना करें, क्योंकि फजूल उसको खोलना इतना आसान नहीं होता है। मतलब सारा डैशबोर्ड वगैरह खुलता है, फिर जाके इसका कूलिंग कॉइल वगैरह आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसके लिए एक हल देखा है मैंने, क्योंकि जब आप गाड़ी मतलब आप सर्विस नहीं करवाते इसका एसी, तो इसके जो गाड़ी की ग्रिल्स हैं इनके अंदर बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, इसमें थोड़ी स्मेल पैदा हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी वो नमी शमी आती है और डस्ट वगैरह आती है, क्योंकि लोग एसी फिल्टर जल्दी नहीं बदलते, कभी भूल जाता, नहीं याद रहता इसको, उसके अंदर तवज्जो नहीं देते, तो उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, बदबू आना शुरू हो जाती है, अजीबो गरीब सा मतलब एक सिस्टम बन जाता है। तो मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, मुझे एक प्रोडक्ट मिला है, वो है ये फिल्मिंगो का एसी प्रो। तो मैंने देखा, मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, मैंने यूट्यूब पर थोड़ी वीडियोज़ भी देखी, तो कि ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ ये बताया हुआ था कि इसको जी आप ये इसके ऊपर बना हुआ है, ये ग्रिल्स बनी हुई है, तो जी आप इसको ग्रिल्स में वो स्प्रे करें तो जी वो आपके बैक्टीरिया मर जाएंगे, खुशबू आना शुरू हो जाएगी। पर बेसिक जो हमने जो क्लीनिंग करनी है, जो बेसिक जहाँ से बदबू आ रही है वो सिर्फ ग्रिल्स से थोड़ी आ रही है, वो तो इसका जो कूलिंग कॉइल है वो जो अंदर लगा हुआ है डैशबोर्ड के अंदर, मेन साफ़ करना हमने उसको। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि आप वो जो कूलिंग कॉइल है उसको खोले बगैर कैसे साफ़ कर सकते हैं, और आपका जो एसी का ब्लोअर है जो आप देता है, अगर आपकी मतलब डस्ट वर्स की वजह से उसकी भी स्पीड कम हो गई है तो आप उसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। मैंने जितनी वीडियोज़ देखी हैं ज़्यादा सब ने 80% 90% लोगों ने सिर्फ ग्रिल ही साफ़ करना बताई है। तो मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसका जो सही तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताऊँ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये इस एसी प्रो को हमने सबसे पहले ये हमने खोलना है, कोई भी गाड़ी होगी ये सबसे पहले खोलेंगे, और उसके बाद आप ये देखें ये एसी फिल्टर है आपका, एसी फिल्टर को यहाँ से निकालना है, ठीक है। एसी फिल्टर निकालने के बाद ये देखें एसी फिल्टर का क्या हाल हो गया। अच्छा, एसी फिल्टर को निकाल के रख दें इधर, और उसके बाद इसको अच्छी तरह शेक करें, और आपने गाड़ी को ब्लोअर चला देना, एसी नहीं चलाना आपने, सिर्फ ब्लोअर चलाना है, और इसके साथ जो पाइप मिलता है उसको खोलिएगा ऐसे। ये एसी का ब्लोअर है, और इसके अंदर हमने इस तरह पाइप डालना है, एसी का फ़ैन चला देना है, मतलब इसको एसी ऑन किए बगैर। अब मैं इसके अंदर डालता हूँ पाइप, अच्छा जी आपने यहाँ से करना है इसको स्प्रे, ये देखें आप इसके अंदर वो सारा ग्राइंडर की तरह चल रहा है, आप इसके अंदर होल्ड करें स्प्रे, आप देख सकते हैं इस तरह चल रहा है। ये इसका ड्रेन पाइप है इसी का, इसको चलते रहने दें। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें और स्प्रे करते रहें।
ये सारा पानी जो है ना, ये ड्रेन जो नीचे इसका है, ड्रेन पाइप एसी वाला, ये वहाँ से गिर रहा है। आप ये देख सकते हैं जितना हमने अंदर स्प्रे किया, ये सारा कंडेंसर से होके यहाँ पे निकल रहा है। अच्छा, आपने इसको फ़ैन को पहले कर लेना बंद। उसके बाद ये जो पाइप है, ये आपने इस तरह करके इस ग्रिल के अंदर डालना है और इस तरह स्प्रे करते करते इसको बाहर ले आना है। इस तरह करके, इसी तरह आपने इस तरफ भी करना है। अब अंदर ले जाएं पूरा जितना जाता है। अच्छा, इसके लिए आपको दो बोतल चाहिए। एक तो आपने मतलब नीचे कर लिया, अब बाकी मैं एक और खोलता हूँ। दो मैंने मंगवाई थी, इनसे स्ट्रॉ भी निकाल लेते हैं। बाहर आ गया, इस तरह ही हम इधर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको हमने सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह छोड़ना है और उसके बाद आप ये वाली जो बेशक ये वाली ग्रिल्स बंद कर दें इस तरह। अब 10-15 मिनट बाद मैं, 10 मिनट गुजर गए हैं। अब एक कोई गंदा कपड़ा पकड़ लें आप, जिसको ताकि आप इसके अंदर से ये जो छींटे वगैरह निकलें आप उसको रोक सकें, इंटीरियर वगैरह पे ना पड़े। इसको अब हम करते हैं स्टार्ट। गाड़ी को कर लिया हमने स्टार्ट। इसकी आपने यहाँ से फुल एयर कर देनी है। ये देखें, यहाँ से इसके अंदर से निकल रहा है बाहर, और ये जो निकलेगी इसको आप साफ करते जाएं साथ साथ। बड़ी अच्छी इसमें फ्रेग्रेंस आ रही है इसकी, जैसे वो सर्फ जैसी होती है ना, सर्फ जैसी, जैसे कपड़े धो के डालते हैं ना, उस तरह की फ्रेग्रेंस आ रही है। या पानी साथ साथ इसका साफ करते रहें। ये जो जितना फॉर्म था ना, ये सारा पानी के अंदर तब्दील हो गया है। ये इसमें से भी निकल रहा है। कितना ज़्यादा फॉर्म निकल रहा है इसमें जी। तो मैंने ये आपके सामने आपको सारा प्रोसीजर करके दिखाया है कैसे है। अब तकरीबन एक दिन गुजर गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो सा ना, इसकी फाइनल रिव्यू क्या है इसके ऊपर। अच्छा, ये यूज़फुल प्रोडक्ट है, ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। यूज़फुल किस तरह है कि मैंने आपको दिखाया कि वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा पानी निकला। मेरा वैसे गाड़ी नहीं थी तो इतना ज़्यादा वो गंदा पानी नहीं निकला, क्योंकि मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर चली हुई है और मेरा एसी फिल्टर अभी तक ओरिजिनल चल रहा था उसमें। तो जब अच्छा, इसमें सबसे बड़ी टिप ये है कि एसी फिल्टर अगर आप रेगुलर टाइम पर चेंज करते रहेंगे या उसको हवा वगैरह मारते रहेंगे, तो आपका कूलिंग कोयल वो मतलब 90% चांसेस है कि वो बहुत कम गंदा होगा, क्योंकि वही मेन जो चीज़ है आपके जो एसी को बचाता है डस्ट से, बैक्टीरिया से। अच्छा, मैंने एक और चीज़ डिस्कस करनी है। एसी जो फिल्टर है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है। जैसे आप एयर फिल्टर गाड़ी का या ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं ना, इस तरह जो एसी फिल्टर ना, जैसे हम N95 मास्क पहनते हैं, ये समझ लें कि आपकी गाड़ी के अंदर ये एयर प्योरीफायर N95 मास्क का काम करता है, लेकिन ओरिजिनल वाला। ये जो फेक मिलते हैं मार्केट से वो नहीं, आपका जो ओरिजिनल जो इसका फ़िल्टर होता है वो एक्सपेंसिव होता है। लाइक कल्टस का देखें ना, तो वो तो 7-7.5 रुपये का। करोला वगैरह का भी जो ओरिजिनल है 4-4.5 रुपये का। उसकी महंगा होने की रीज़न सिर्फ ये है कि उसके अंदर 2.5 माइक्रोन्स तक जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रोकने की सलाहियत होती है। बट जबकि ये आपको लोकल जो मिलते हैं, सिर्फ ये दिल की तसल्ली होती है कि जी इसके अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है और जी वो काला होता है तो बदल देते हैं, पर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। वो कोई हवा को प्योरीफाई नहीं करता, क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, मतलब घर वाले तो आपको पता है एक सर्टेन एरिया है वहाँ पे रहता है, वहाँ पे जितनी को डस्ट है या जितना की इन्वायरमेंट है, पर गाड़ी आपकी हर तरह की इन्वायरमेंट के अंदर जाती है, ठंडे गर्म बारिश में बाहर धूल में मिट्टी में हर जगह पर जाती है। तो आपका जो गाड़ी है ना, उसके अंदर जो एयर है या और आपके जो कारपेट्स के अंदर डस्ट फंसी हुई है, हर चीज़ वो आपके साथ सारी सर्कुलेट होती है गाड़ी के इंटीरियर के अंदर सारी हवा के साथ। तो उसके लिए जो एसी फिल्टर है बड़ा ज़रूरी है।
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा ओरिजिनल एसी फिल्टर यूज़ किया करें, आफ्टर मार्केट या जो ये जो लोकल एयर फिल्टर होते हैं इनके ऊपर रिलाई ना किया करें। तो मेरा फाइनल इसके ऊपर जो रिव्यू है वो ये है कि ये बड़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, इससे आपका एसी ब्लोअर खुले बगैर साफ़ हो जाता है, तो आपका कूलिंग कोयल भी साफ़ हो जाता है काफ़ी हद तक, चलो 100% नहीं तो 80% 70% साफ़ हो जाता है, और उसके अलावा आपकी जो वो डक्ट्स हैं वो भी साफ़ हो जाती हैं, और उसके अंदर बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है। उसमें पूरा दिन हो गया लेकिन वो जब भी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो उसके अंदर से एक वो सर्फ जैसी ही खुशबू आती है, बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस, यानी कि आपको फ्रेश फ्रेश फीलिंग आती है। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको कोई 300-400 रुपये का आता है। अच्छा, आप इससे घर वाला एसी भी साफ़ कर सकते हैं, उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। घर वाला अगर आपने एसी साफ़ करना है सेम लाइक जैसे आपने इसके अंदर स्प्रे किया था ना, इस तरह ही आपने घर वाला इंडोर यूनिट चलाना है, उसको फैन मोड पर कर देना है, और फैन मोड पे करके आप एसी पहले उसको खाली स्प्रे कर दें ऑफ़ करके। तो इसको आप ऑफ़ करेंगे तो उसके ऊपर सारा मतलब वो इसकी जो कंडेंसर होता है अंदर वाला कूलिंग कॉइल होता है उसके ऊपर सारा स्प्रे कर दें, और उसको आपने सिर्फ 10 मिनट छोड़ देना है, वो 10 मिनट का वो सारा फोम नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद आपने सिर्फ इसका फ़ैन चलाना है, और फ़ैन आपने 15 से 20 मिनट तक इसका ऑन रखना है, वो सारी वो जो झाग है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और ये ड्रेन के जरिए सारा वो भी निकल जाएगा। और घर वाले एसी में से भी वैसी फ्रेगनेंस आती है, और वो मतलब काफ़ी हद तक वो भी कूलिंग कॉइल आपकी साफ़ हो जाती है। उसके भी आप फिल्टर वगैरह वॉश करते रहा करें तो वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा नहीं होता। आई होप तो आपको मेरी वीडियो आपकी पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो यार सब्सक्राइब कर दिया करें, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो सर ज़रा मोटिवेशन मिल जाती है, अगर मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।